इस मुद्दे पे ये बोलना चाहता हूँ मैं, इस मुद्दे पर मैं बोलना चाहता हूँ कि 2011 में विजय माल्या और नीरव, इनको लोन कर्जा गरीब का पैसा इनको दिया किसने? इस गरीब का पैसा इनको दिया किसने? गरीब को सपा बसपा कांग्रेस मिल करके जड़ इतने मजबूत कर दी है गरीबों की और भ्रष्टाचार की कि 4-5 साल में नहीं होने वाला है। इनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हिंदुस्तानी को जागना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सपा बसपा के लिए हम लोग कार्यकर्ता आपस में लड़ते थे उत्तर प्रदेश में, आज एक हो गए। अरे एक बात बताओ तो, एक हो गए। इसलिए हम जैसे लोगों को लड़ा करके इनकी साठगांठ थी, 5 साल तुम 5 साल हम, आज नहीं चल रही है तो एक साथ हम। एक बात सुनो, थोड़ा ऑटो भी चलाया करो। सर मेरा देश लूट रहा है, गरीब आदमी तिल तिल मर रहा है, ये कांग्रेस वाले और ये सपा वाले मिल करके गरीब की गरीबी की जड़ इतनी मजबूत कर दी कि आज वो उठने के काबिल नहीं रह गए। तो मोदी सरकार की देन नहीं है, ये मोदी सरकार की देन नहीं है, ये देन 60 साल वालों की है, 60 साल वालों की है। मैं कुंवर बासित अली हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार में उर्दू अकेडमी का सदस्य हूँ जी। और यूपी के अंदर एक प्रयास ये हो रहा है कि एक तराजू के अंदर मेंढकों को कह तोला जाए, ये एक असंभव प्रयास है। और ये लोग जो अब यूपी के अंदर मेंढकों को तोलने की कोशिश कर रहे हैं वो कभी कामयाब हो नहीं पाएंगे, क्योंकि अजीत सिंह के साथ मुसलमान नहीं जाना चाहता, मुलायम के साथ दलित नहीं जाना चाहता, और जो कांग्रेस है उसके साथ यादव नहीं जाना चाहता। इसी बात को लेकर के, क्योंकि इन लोगों की आपसी तनाव इतना ज्यादा है, ये भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग बुरी तरह से यूपी के अंदर हारने वाले। जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम बने हैं, तब से एक मुद्दा जिसे लेकर कई लोग चिंता जता चुके हैं वो ये है कि मुस्लिम समुदाय के प्रति उनका रुख कैसा होगा। कट्टर हिंदुवादी छवि के नेता योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगते रहे हैं कि वो सांप्रदायिक भेदभाव करते हैं, लेकिन जब एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिभा मिश्रा गोरखपुर पहुंची तो उन्हें इस छवि के उलट एक दूसरा पक्ष दिखा। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के दफ्तर की कुर्सी के सामने सेल्फी लेते ये हैं इरफान अहमद। इरफान को देखकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि कट्टर हिंदुवादी छवि के नेता योगी आदित्यनाथ की कुर्सी के आगे किस तरह मुस्लिम समुदाय के लोग सेल्फी ले रहे हैं। इरफान अहमद भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता हैं। जब से योगी आदित्यनाथ सीएम बने हैं वो खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। इरफान ही नहीं, उनके जैसे कई मुस्लिम युवा योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने से खुश हैं। इरफान का कहना है कि इन्होंने योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने की दुआ मांगी थी। मुख्यमंत्री बनने से एक दिन पहले हम लोगों ने गोलघर में स्थित हजरत तोता मैना अली शाह की मजार पर चादर पोशी कर योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने की दुआ भी मांगी थी, और आज वो दुआ कबूल हो गई है और हमारे पूज्य महाराज जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। बहुत ही खुशी की बात है, और उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज में यह लहर है, और गोरखनाथ मंदिर के चारों तरफ जो लगभग 2 लाख से अधिक मुस्लिम समाज के लोग हैं वो पूरी रात और पूरा दिन उत्साह मना रहे हैं। उसी को लेकर के आज महाराज जी से मुलाकात नहीं हो पाई है तो हम लोग यहाँ पे उनके साथ सेल्फी लेने के लिए आए हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं। इरफान ही नहीं, गोरखनाथ मंदिर में पिछले 40 सालों से रुपए पैसे का हिसाब रखने वाले मोहम्मद यासीन अंसारी भी योगी की तारीफ करते नहीं थकते। उनका कहना है कि उन्होंने कभी भेदभाव महसूस नहीं किया। इतना कुछ कहा जाता है कि वो एकदम कट्टर हिंदू हैं और उनके आसपास कोई मुस्लिम नहीं होता, ऐसा नहीं, ऐसे में आपको जिस तरीके की जिम्मेदारी दी गई है तो उनके व्यक्तित्व के बारे में हमें बताइए, क्या कभी कोई आपको भेदभाव नजर आया? कुछ भी कभी भेदभाव नहीं। योगी जी कहीं से आते हैं जब तुरंत हमको बुलवाते हैं, कहते क्या काम कराए, क्या बाकी ये काम हुआ कि नहीं हुआ, चाहे दिन हो रात हो, चाहे हर समय हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, हमेशा दिन में दिन बार 4 बार 5 बार जब जरूरत पड़ती तब मिलते हैं, बात करते हैं, हर चीज समस्या का समाधान करते हैं, और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, चाहे उनका भंडार घर हुआ, किचन हुआ, चाहे जहाँ हुआ, सब मेरा निर्माण कराया हुआ, हम उनके हर जगह जा सकते हैं, कभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मोहम्मद यासीन अंसारी और इरफान अहमद की बातें सुनकर ये साफ है कि सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ की कट्टर हिंदू नेता की छवि के पीछे एक दूसरा रूप भी है। पहली वजह मिली गोरखपुर मंदिर में ही। गोरखपुर में मंदिरों के निर्माण का जिम्मा है मोहम्मद यासीन अंसारी पर। मंदिर में 1977 से हैं। करीब 40 साल हो गया। करीब 40 साल हो गया।
पाँच साल तक मैं यहाँ कैशियर था मंदिर का, उसके बाद से मैं सब निर्माण का काम कराता हूँ, चाहे मंदिर हो, भवन हो, चाहे जो कुछ भी हो, जितना यहाँ निर्माण हुआ है, साधना भवन, यात्री निवास, वृद्धा आश्रम और अस्पताल, सब टोटल में सब मैं ही निर्माण कराता हूँ। तो दो मंदिर भी मैं ही बनवाया हूँ, रोक टोक नहीं, चाहे मंदिर हुआ कहीं भी हुआ, हम मंदिर के गर्भगृह में भी हमेशा आते जाते, कोई जरूरत पड़ती है तो कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा को गोरखपुर मंदिर के पास ही क्लिनिक चलाते डॉक्टर मुश्ताक मिले, जो बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ की छवि गलत बनाई गई है। महाराज जी मुख्यमंत्री हुए, हम लोगों को बहुत खुशी है, बहुत ही ज्यादा खुशी है, और हम लोग हर जगह वहाँ पे जो भी चीजें खुशियाँ, जो भी लोग जैसे भी खुशी मना रहे हैं, हम लोग भी शामिल उसमें हैं। हाँ, ये भी देखा गया है कि अगर बहुत 150 लोग अगर खड़े हैं, अगर महाराज जी के सामने कोई दाढ़ी वाला या कोई मुस्लिम नजर आता है तो सबसे पहले उनको बुलाते हैं और उनकी बातें सुनते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। एबीपी न्यूज संवाददाता रणबीर सिंह पहुंचे गोरखनाथ मंदिर के पास मौजूद एक मदरसे में, जहां मदरसे में बैठा हर कोई योगी आदित्यनाथ का फैन नजर आया। वजह सुनिए उन्हीं की जुबान से। एक मरतबा मदरसा, इसी मदरसे की जमीन है, उस पर तमाम लोगों ने कब्जा कर लिया, और उसके बाद जो है तमाम जितने मौलाना इसमें पढ़ाते हैं वो सब लोग गए मंदिर में। तो महाराज ने पूछा, भाई क्या बात है, बताइए आप लोग कैसे हैं, बताएं। भाई हमारा जो है एक जमीन, हम लोगों ने कब्जा कर लिया। इन्होंने कहा कि ठीक है, एसओ को बोला, एसओ बोला, उन्होंने कहा कि तुम आज जुमा का दिन है, 1 बजे नमाज होती है, अगर 12 बजे तक ये सारा मलबा यहाँ से नहीं हटा, ईटा पत्थर जितना है, तो मैं 1 बजे नमाज के टाइम पहुँचूंगा और उसको सारा 1 घंटे में हम उसको हटाने की व्यवस्था हम कर लेंगे। एसओ साहब आए तो मौके पर सारा उन्होंने साफ करा दिया। मुसलमानों का भी यहाँ पे जो है बड़ी वाली मस्जिद है, वहाँ पे जो विवाद चल रहा था उसको जाकर के जो है माननीय जो है अवधनाथ जी महाराज, ये आदित्यनाथ जी महाराज जी जाकर के उसको साल बताया। क्या मामला क्या था जो है वो मस्जिद था जो है वो रास्ते का मामला था, जो है रास्ते को लोग घेर रहे थे, उसको जाकर के जो है मिनटों में साल्व करा दिए। वो खुद गए थे? जी खुद गए थे, और सभी मुस्लिम समुदाय के लोग जो है उससे बहुत खुश हैं। हम लोग बहुत खुश हैं इनको मुख्यमंत्री बनने से। हम लोग को कोई काम पड़ता है, हम लोग का पूरी बिरादरी के लोग कोई भी चला जाए इनका काम हो जाता है। अच्छा, मंदिर में बगल में चूंकि मंदिर है तो आना जाना आप लोग का होता है? हाँ एकदम, जब चाहे आदमी चला जाए, हाँ तुरंत काम हो जाता है। पहले हम लोग का होता है काम, मुसलमान भाई का होता है। खिचड़ी के मेले में हजारों मुसलमानों को रोजी रोटी मिलती है यहाँ पे जो है। एक बार हम लोगों को जरूरत पड़ी थी, रोड में गड्ढा हो गया था, तो जो है बाबा के पास हम लोग गए और उनके पास जो है उनसे कहा गया कि जो है बाबा जी हमारा जो ये गड्ढा आप सही करा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये जो है आप बहुत लेट आए, करीब 1 साल तक वो गड्ढा था, पर हमारे हम लोगों के जाने के बाद से वो गड्ढा जो है 3-4 घंटे के अंदर सही हो गया था। भाई हम लोगों का जो है बचपन से लेकर के मंदिर में आना जाना और घूमना कभी कोई भेदभाव नहीं हुआ, और इसी तरह भी हम लोग जैसे अभी जो है इस तरह हम लोग चले जाते हैं। आग लगाई थी आदित्यनाथ ने, रात भर हम पानी दिया हमको, हमारा बुध गया सब, बहुत साथ दिया हमारा। क्या कब की बात है आग लगी? अभी अभी साल भर नहीं हुआ होगा। हाँ, अच्छा 1 साल पहले क्या वाकया हुआ था? किसी ने आग लगा दिया कपड़ में, जल गया तो बहुत नुकसान हुआ, तो तुरंत टैंकर आया मंदिर में, पानी पकड़ा, रात भर जो है जलाए, चट-चट टैंकर से पानी बुता, आग बुती। बातचीत के दौरान मदरसे के बाहर पटाखों की आवाज आ रही थी, वजह जानने की कोशिश की तो मुलाकात हुई निजामुद्दीन से। गोरखपुर के रसूलपुर मोहल्ले में टहलते टहलते एक बच्चा हमें मिला जो अकेला ही पटाखे फोड़ रहा था, और जब उससे हमने बात की तो उसने बताया कि योगी जी के सीएम बनने से वो बहुत खुश है। निजामुद्दीन नाम है इसका। निजामुद्दीन क्यों अभी पटाखे फोड़ रहे थे? योगी जी को जीतने के खुशी में हम पटाखे फोड़ रहे थे, और हमें बहुत खुशी है योगी जी मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री क्या होता है पता है? अभी इसका तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम लोग को बहुत खुशी है गोरखपुर में योगी जी मुख्यमंत्री की सीट पाए। अच्छा, तो कभी मिले हो उनसे? जी बहुत बार। कब? जैसे कोई भी फंक्शन में आते हैं, मारा वाला पहना जाते हैं तो बोलते तो हैं। क्या बोलते हैं? जैसे कोई भी अब जैसे फंक्शन में ढेर से लोग जैसे माला पहना कर सबको आशीर्वाद देकर, बस आशीर्वाद देकर हम लोग हट जाते हैं। तो तुम्हें भी आशीर्वाद दिया उन्होंने? जी बहुत, दो बार। गोरखपुर के कि हाथी के वजन से कहीं साइकिल पंचर ना हो जाए ये पूछ लीजिए। हाथी के वजन से
कहीं साइकिल का पहिया पंचर ना हो। अच्छा आप बिहार में कहाँ के रहने वाले? बलिया यूपी के। अच्छा बलिया यूपी, बिल्कुल बराबर का मसला था। तो कहने गांव में नहीं हो रही है किसी गांव के लोग, यहाँ लोग बेवकूफ नहीं है, यहाँ लोग पढ़े लिखे दिल्ली है। और मैं बोलता हूँ कि वो जब फोटो खिंचा डेलीगेट्स होती है, आपकी प्रधानमंत्री चाहे वो राहुल गांधी कल को प्रधानमंत्री बन जाए, उनके साथ डेलीगेट्स पीएमओ ऑफिस से जाती है कि ये डेलीगेट्स मिलेंगे। एक मिनट मेरी बात सुनिए, ऐसे आप नहीं, मेरी बात सुनिए पहले। उसके बाद वो जाते हैं, उसके बाद उसका डेलीगेट, इससे मतलब क्या हुआ कि प्रधानमंत्री साथ फोटो खिंचाते हैं। पैसा पैसा कांग्रेस ने दिया है और आम आदमी को दिया है, इसका भुगतना पड़ता है। मैं ये चीज बोलता हूँ, जिसको ये पता नहीं चाहिए, जिसको ये पता नहीं चाय और कॉफी में क्या है, आप उसका नेतागिरी कर रहे हैं साहब। राहुल गांधी को चाय और कॉफी में पता है, वो राजनीति पीएम बैठे ना तो देश को भेज देंगे पाकिस्तान से भी खराब। मैं आऊंगा। मेरी बात ये है, चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे बीजेपी पार्टी है, चाहे आप पार्टी है, किसी की भी गवर्नमेंट में घोटाला हुआ है, मान लिया हो गया, बट उस घोटाले का जो पैसा है वो रिकवर कैसे होगा और जो रिकवर हुआ पैसा है वो लोगों के पास कैसे जाएगा? इस चीज के लिए हम लोगों ने आज से 1.5 साल पहले पंजाब के एक छोटे से शहर संगरूर में एक सोसाइटी बनाई थी, गरीब एकता वेलफेयर सोसाइटी, जहां पर गरीब लोगों के लिए वो हमने इकट्ठा करके कम से कम 100 से 150 लोगों को, जैसे छोटा शहर था उन लोगों को इकट्ठा करके हम लोगों ने एक प्लान बनाया था। कोई भी गवर्नमेंट पार्टी आती, कोई भी इलेक्शन होता है, तो उस इलेक्शन के टाइम पे हम लोगों की डिमांड एक होगी। मेरे जैसा बहुत लोग हैं, गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, सब लोग हैं, उन सबकी दो प्रॉब्लम्स हैं, एक मेडिकल, एक बच्चों की पढ़ाई। सबसे बड़ी बात है हम लोगों ने इस चीज को मैटर बना लिया, हम लोगों ने उठाया, जो भी कोई दो इलेक्शन हुए। क्या हुआ संगरूर में उसके उस, जब आपने उठाया तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज का क्या नजरिया था? पॉलिटिकल पार्टीज का नजरिया ये था, उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाई मुफ्त मिल रही है, प्राइमरी स्कूल्स में 5th क्लास तक बच्चों को पढ़ाई मुफ्त मिल रही है, किताबें मिल रही हैं, जबकि उनका जब मैंने लेवल चेक किया तो उनके पास बैठने के लिए टेबल भी नहीं है, नीचे ताट पे बैठे हैं बच्चे, खुराना साहब भी फटे हुए। खुराना साहब, सरकारी स्कूलों की दशा सबको मालूम है, बहुत अच्छा मुद्दा है आपका खुराना साहब, बहुत अच्छा बात। सरकारी स्कूलों का मैं आ रहा हूँ, सरकारी स्कूलों की दशा सबको मालूम है। दूसरी शिक्षा सबसे बड़े मुद्दे हैं, मैं आपको साधुवाद देना हूँ। आप छोटे से शहर संगरूर से आते हैं, वहाँ आपने कम से कम प्रयास तो किया, कम से कम इनके लिए, खुराना साहब के लिए ताली बजानी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है खुराना साहब, बहुत बढ़िया काम किया जी। आपका मुद्दा भैया जी, मैं बूंद बूंद पानी के लिए तरसते और तिल तिल मरते शहर 2.5 लाख की आबादी वाले शिवपुरी शहर मध्य प्रदेश से आया हूँ, अजय गौतम नाम है मेरा, वकील हूँ। आज हालात ये है कि जब मैं पैदा हुआ था तब एक डैम बना था 37x37 किलोमीटर में सिंध नदी के ऊपर, और आज से 10 साल पहले यानी 2009 में हमको 2.5 लाख की आबादी वाले शहर को पानी देने का वादा किया था हुक्मरानों ने, ठीक है। आज 10 साल बीतने के बाद मेरे शहर में बच्चे छोटे छोटे बच्चे, औरतें, बूढ़े लोग पानी के लिए तरफ रहे हैं, और कंडीशन यह है कि स्टेट टाइम में पूरे देश का सबसे अच्छे सुंदर शहरों में और बेल प्लांट शहरों में गिना जाने वाला शिवपुरी हाँ, सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया ने उसका नक्शा बनाया, जिन्होंने मुंबई का नक्शा बनाया जी। आज उस हालात, उस शहर की ये हालात किन की बदौलत हुई मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया है कांग्रेस पार्टी के, मैं दोनों पार्टी का नहीं, दो मिनट मेरी विधायक बीजेपी से है, दो मिनट बात कर देती है, बीजेपी से मेरी विधायक है, कांग्रेस से नगर पालिका अध्यक्ष, मैं सबका नाम ले रहा हूँ, मैं दोफी नहीं दे रहा हूँ। आप मंथन करिए, मेरे शहर की जनता को मंथन करना चाहिए कि आखिर दोफी कौन है। हर महीने का आश्वासन देने के बाद आज 10 साल में ये योजना कारगर ढंग से धरातल पर नहीं उतरी। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, मैं कह रहा हूँ संसद चलना चाहिए, बाकायदे इसके लिए लाभ बढ़ना चाहिए, और देश का पैसा, गरीबों का पैसा वापस आना चाहिए। तेरा घोटाला मेरा घोटाला जनता का पेट नहीं भरने वाला है, चाहे कांग्रेस ने किया हो चाहे बीजेपी ने किया हुआ, बाकायदे संसद में इसको प्रॉपर चर्चा होनी चाहिए। और देश का पैसा चाहे मेहुल चौकसी हो, चाहे वो मोदी हो, नीरव मोदी हो, और चाहे ये माल्या जी हो, एक एक पैसा देश को वापस लाना चाहिए, इसके लिए फुल प्रूफ व्यवस्था होनी चाहिए, संसद में बहस होनी चाहिए जी। प्रतीक जी, मैं ये कह रहा था कि मेरा एक मुद्दा ये था कि किसी के किए हुए कार्य को नकारना नहीं चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहता हूँ कि पिछले 10 महीने में अवैध कत्लखाने बंद हुए हैं और गौ सुरक्षा को लेकर जागरूकता आई है, और हमने लिखा था माननीय मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने इस बजट में 300 करोड़ का प्रावधान किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से गौ सुरक्षा पे उनकी संजीदगी को नमन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। पायेगा जी, बिल्कुल ही बेकार कर रहे हैं। अच्छा हाँ, इसलिए मोदी की स्पीड इतनी आगे चल रही है कि कोई भी उन्हें पीछे नहीं कर पाएगा। अच्छा। हाँ। जो जीएसटी और ये सब आया था अभी,
ये सब बेकार की पार्टियां हैं जी। हाँ, छोटी पार्टी बड़ी पार्टी से टक्कर नहीं ले पाएगी। वो तो मेरी मजबूरी थी, सभी लोग देते थे, हम भी देते थे। हाँ, नहीं आ रही है, बहुत अच्छा काम हो रहा है इस वक्त। मोदी की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम है, हर चीज अपने हिसाब से कर रहे हैं वो। हाँ, गड्डी नहीं, अरे रुको तो। हाँ, उनने अभी आना बेकार है, काम काम कर रहे हैं, पैसे की बर्बादी है। मुश्किल भी है, और जो है भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे निकल चुकी है जी। अब गठबंधन हो सकता है, जीत भी सकते हैं, नहीं भी जीत सकते हैं, जीत भी सकते हैं, रोक सकते हैं कि नहीं? वैसे रोकना मुश्किल दिख रहा है, और फिर तो ऊपर वाले के हाथ में है, रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते हैं। लगता है आपको कि भाजपा की सरकार कैसी चल रही है? भाजपा की सरकार गुड चल रही, वेरी गुड चल रही है, बढ़िया चल रही है सरकार। अभी तक आपको समाजवादी पार्टी और मायावती को आप चुनते थे जी, नहीं बेहतर तो है, कमजोर तो कोई भी पार्टी नहीं है, और जो अपना पार्टी आपने जो अच्छा लगता है वो करती है पार्टी, लेकिन मोदी की सरकार बड़ी सही चल रही है, और योगी की भी सरकार सही चल रही है। अगर इन्होंने दोनों ने गठबंधन करा तो बेशक जीत जाएंगे। मेरा नाम हाजी मोहम्मद शकील कुरैशी कहते हैं, और नए शहर में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज बहुत आगे निकल गई है। आज भारतीय जनता पार्टी, पहले लोग जो डरते थे, जो मरते थे, जो उलझन खाते थे, आज वो नहीं, डर खौफ निकल चुका भारतीय जनता पार्टी के मुसलमानों के प्रति, ये मैं कह रहा हूँ। लेकिन जो पार्टी है समाजवादी है या बसपा है, ये कुछ भी नहीं कर पाई, आज बहुत आगे निकल गई भारतीय जनता पार्टी। अगर एकजुट हो जाते हैं तो अब भी कुछ नहीं हो पाएगा, बहुत ताकत में आ गए है आज। अच्छा। आज बहुत ताकत में आ गए थे, पीछे लाना बड़ा मुश्किल है। तो आपको क्या लगता है ऐसे कौन से मुद्दे हैं जी जिनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को हराना मुश्किल है? पहले तो सबका विकास सबका साथ, भारतीय जनता पार्टी ने कहा ऐसा हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में। अभी आप फोन करिए, पुलिस ही पुलिस यहाँ होगी, और सरकारों में ऐसा नहीं होता, हमारा आदमी बैठ जाओ तुम्हारा आदमी छोड़ दो। बीजेपी सरकार में एक ऐसा शासन चला रही है, जाने के बाद पब्लिक याद रखेगी कि कोई सरकार आई थी। पहले तो हम चाहते थे जाए नहीं, और ये चली भी गई क्योंकि मालिक की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। अगर जाती है तो ये लोग याद रखेंगे 20 साल की सरकार कोई थी। मोदी जो भी करते हैं जनता के लिए, पब्लिक के लिए नहीं अच्छा लगता हर आदमी को हर बात। मेरा होटल है, मैं 10 सब्जियां बनाता हूँ, 200 ग्राहक आते हैं, किसी को कलेजी पसंद है, किसी को भेजा पसंद है, किसी को पाया पसंद है, जरूरी थोड़ी सारे आइटम सभी को पसंद हूँ। हर आदमी का अलग अलग दिमाग है, अलग अलग चार, तो ये जरूरी नहीं है कि मोदी जी को हर आदमी को मोदी जी अच्छे लगे या योगी जी, हमें दोनों लोग पसंद हैं। सरकार बहुत बढ़िया चल रही है, ना अभी दंगा ना फसाद, होली इतनी शांति से है, हमने 58 साल की उम्र में आज तक ना देखी ना सुनी, ना कोई घटना, ना कोई समस्या, ना कोई परेशानी, आराम से आदमी ने रंग खेला, जिसके आया डाला मजे में, जिसके आया नहीं डाला, जिससे पूछा, जिसने कहा डाल दीजिए उसने डाल दिया, नहीं तो जयराम जी की। तो जी कितनी बड़ी बात है भाई, छोटी बात है जी, इतनी सरकारें आती, हमने तो देखा है सरकारें आई हो गई, दंगे हो रहे, फसाद हो रहे, कहीं मारे जा रहे, कहीं कत्ल हो रहे, कहीं टकरा जा रहे, उन्हें कौन है, उन्हें फला साहब, उन्हें कौन है जी, कमाल हो गया साहब। होली में जरा सी भी घटना पूरे प्रदेश में नहीं जी, छोटी बात कहेंगे आप, बीजेपी शासन में, बीजेपी शासन में जरा सी भी कोई घटना नहीं पूरे प्रदेश में, क्या हिंदुस्तान की तो नहीं, प्रदेश की हमें जानकारी है, तो कोई घटना नहीं होती तो इसको क्या कहेंगे, अच्छा कहेंगे कि खराब, बताइए आप। तो आपको लगता है कि जो गठबंधन हो रहा है जी बिल्कुल बेकार है, ये तो नूरा कुश्ती है, गठबंधन कुछ नहीं है। अच्छा बताइए मेरी बात एक, आप लोग मुलायम सिंह नेता हैं, नेता रहेंगे, लेकिन अखिलेश साहब 5 साल सरकार नहीं है, सड़कों पे आए, इटावा आए, कहाँ आ रहे? अरे भाई सरकार नहीं है, लोगों से संपर्क करो, वोटर कोई सीधा नहीं है, वोटर बहुत टेढ़ा है। तो ये बताइए जी, 2019 के लोकसभा में जी ये सब एकजुट हो जाए तो बीजेपी को परास्त कर सकते हैं? बीजेपी बहुत ताकत में है भाई, अमित भाई बीजेपी बहुत आगे बढ़ गई जी, झंडा पीछे लिए रह जाएंगे, विश्वास करो मेरी बात का, ये तो कहीं आए दाएं बाएं नहीं, जैसे हाथी एक निकलता है तो
तो तमाम पैर में जुड़ जाए टांग नहीं उठा पाएंगे, ये ताकत है आज। तो राज्यसभा में मायावती को पहुंचाने के लिए गठबंधन कर रही है? जी 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 जी, तो ये है तू मेरी ले, अब ऐसा है ना, हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे खुले अल्फाजों में, अब समझदार हैं आप लोग, पत्रकार लोग हैं जी, कुछ नहीं कर पाएंगे। अब ये मोदी साहब इतना आगे बढ़ गए, इन्हें अब पीछे लगना बड़ा मुश्किल है। 100% बीजेपी 2019 में भी जीतेगी, ऐलानिया कह रहा हूँ मैं, ऐलानिया कह रहा हूँ, मेरी बोटी बोटी करा देना अगर बीजेपी। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है तो दिखा रहा है 2% में ऊपर नीचे लंबा हो जाता है जी, तो 8-10% का फर्क है। तो आपको क्या लग रहा है कि इनके गठबंधन से इनको फायदा मिलेगा? 100%। अच्छा हाँ, तो फायदा किस तरह से मिलेगा? फायदा इस तरह से मिलेगा, कांग्रेस हाथ पैर डाल गई, उसका कुछ वजूद ही नहीं है। बहन जी और जी सपा जी मिल के अपने आधी आधी कर ले, 10-12 सीटें कांग्रेस को दे दें, आ जाओ 2 से तो बेहतर है, जो 8-10 मिल रही आने वाले टाइम में। तो इनका गठबंधन 2019 में भाजपा को रोक लेगा? अब जी तो ईश्वर ही जान सकता है, कोशिश करना हमारा काम है। नहीं तो या आपका अपना तजुर्बा क्या कहता है? तजुर्बा हमारा जी कहता है कि दलित और मुस्लिम और यादव और पंडित मिलकर रुक तो जाएगा ही, 100% इनकी छटनी हो जाएगी जी। एका सुपू का नया छोड़ देती है कि तब हिंदू भाई एक हो जाए, नया ऐसा कोई फार्मूला ला के रख देती है कि तब हिंदू भाई एकदम एक साथ हो जाता है। हाई कास्ट ले हो, लो कास्ट ले हो, बैकवर्ड हिंदू ले हो, हरजन ले हो, वो सब कमल का फूल दिखता होता है। ऐसा कोई नया फार्मूला दिखा देते जो मुसलमान के मिर्चे लग जाती वो तब एक हो जाता है, कहानी तो ये है। अच्छा मायावती का ध्यान धोखेबाज कर रहा है। अरे भाई धोखेबाज आपको, मुख्यमंत्री हमारा, प्रधानमंत्री हमारा, राष्ट्रपति हमारा, सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीमो हमारा, तो होएगा तो वो जो हम चाहेंगे। लालू हमारा जेल में डला है कि क्या दिख नहीं रही जनता, अंधी है क्या? तो इस गठबंधन का भविष्य कैसा देखते हो? बहुत बेहतर, बहुत बढ़िया, कोई मसला नहीं। अगर बीजेपी को रोकना है तो बहन जी का और सपा का सपोर्ट करना है, कांग्रेस को भी आना चाहिए। कांग्रेस तो अपने आप आ जाएगी, उसको बुलाने की जरूरत नहीं है, वो बस उसकी सांसें चल रही हैं, उसको ऑक्सीजन मिल जाएगा। कांग्रेस का कोई मसला नहीं, उसकी सांसें चल रही हैं, इनके साथ उसको ऑटोमेटिक आना पड़ेगा, उसको ऑक्सीजन मिल जाएगा। 2019 में बीजेपी खत्म? खत्म तो नहीं कह सकते भाई, पूर्ण बहुमत में है, खत्म कैसे कहते हैं, संभव बात करो, फर्क पड़ेगा। अगर 19 में सरकार बीजेपी की बनती है तो इन्हें गठजोड़ करना पड़ेगा, और गठजोड़ में इनके अंदर ही अभी आस्तीन के साथ बैठे हुए हैं जो इनको डराएंगे इनके घर में, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा हुए, यशवंत सिन्हा हुए, आप इन्हें क्या समझ रहे, आने वाले टाइम में जो पैजामे के नारे तक में घुस जाएंगे जी, दिक्कतें पहुंचाएंगे अगर 10 सीटें भी कम हो गई। क्या बात कर रहे हैं आप जी? इंशाल्लाह दोनों सपा के खाते में, अगर वोटों में वो हेरा फेरी ना हुई, मशीनों में बैलेट पेपर से हुआ तो सपा के खाते में। ये दोनों तो एक हो गए, वोटर को कैसे कन्वर्ट करेंगे सपा और बसपा?